नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुनिया आपके साथ। चलिए जल्द से नजर आते हैं देश विदेश की सुर्खियों। ईरान की कोयला खदान में गैस लीक होने के बाद हुआ भयानक विस्फोट, 30 लोगों की हुई मौत। तीन से इस बार मिले 52% वोट, जानिए कौन है अनुराग कुमार दिशा नायके, जो बन सकते हैं श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति। चांदी की ट्रेन, पश्मीना शॉल, पीएम मोदी ने जिल और जो बाइडेन को दिया खास उपहार। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में दिशा नायके ने बनाई मजबूत बढ़त, तीसरे नंबर पर पहुंचे विक्रम सिंघे। फिर चले गई बाइडेन की याददाश्त, अब तो पीएम मोदी का परिचय देना ही भूल गए देश। अमेरिका ने भारत को सौंपी 297 प्राचीन बहुमूल्य कलाकृतियां, पीएम मोदी ने जताया बाइडेन का आभार। चंद्रबाबू नायडू झूठे, राजनीतिक फायदे के लिए हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे, पीएम मोदी को जगनमोहन रेड्डी का खत। तिरुपति बालाजी मंदिर में क्या दान किए जाते हैं बाल, चढ़ाए गए इन बालों का आखिर क्या होता है। तिरुपति लड्डू विवाद पर श्री श्री रविशंकर का बड़ा बयान, 1897 के सिपाही विद्रोह की दिलाई याद। बेटे की कॉलेज फीस के लिए भीख मांगनी पड़ी, मनीष सिसोदिया ने उन दिनों को याद किया। परेशान पति ने की आत्महत्या तो लाश के साथ तंत्रमंत्र करने लगी पत्नी, वीडियो सामने आने पर मचा बवाल। नोएडा पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार, तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद। एनसीईआरटी की तीसरे क्लास की किताब पर हो रहे विवाद को लेकर बोले पूर्व सीएम कमलनाथ, कह दी ये बड़ी बात। रोहतास सरपंच हत्याकांड में भतीजा ही निकला हत्यारा, घर में घुसकर बरसाई गोलियां। आंतरिक कलह से त्रस्त भाजपा की कर्नाटक सरकार के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। क्या विधायक की गिरफ्तारी से कर्नाटक के चन्नपटना उपचुनाव में एनडीए की संभावना पर असर पड़ेगा। श्रीराम सेना के कर्नाटक अध्यक्ष ने कहा हिंदू त्योहारों पर हथियार लेकर जाएंगे। स्पाइसजेट शिवमोगा से नए उड़ान मार्ग शुरू करेगी। बीबीएमपी बेंगलुरु के दो इलाकों में 300 आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाई। चिरंजीवी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ शामिल, आमिर खान ने मेगा स्टार को बताया बड़ा भाई। तुम्बाड के सीक्वल को लेकर डायरेक्टर ने दिया झटका, जानकर फैंस भी हुए निराश। टेस्ट मैच में जीत दर्ज करते ही रोहित शर्मा का कमाल, ऐसा करने वाले सिर्फ पांचवें भारतीय कप्तान। भारत से हार के बाद बांग्लादेशी कप्तान ने शाकिब के लिए ऐसा क्या कह दिया, मैच में लुटा दिए 129 रन। धमाधम रफ्तार से बढ़ती रहेगी भारतीय इकोनॉमी, डेलॉयट ने वैश्विक मंदी के बीच कही ये बात। देश में टॉप गियर में लग्जरी कारों की बिक्री, त्योहारी सीजन को लेकर आया ये अनुमान। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।